हेलो गाइस, वी आर बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज हम आ गए ऊपर एक दफ़ा पहले अपने फॉर्म के ऊपर। और अभी हमने इसकी सिंगे और खुर जो है ना ये कटवाएं, खुर बनवाएं और इसके भी बनवाएं, मतलब सारों के खुर बनवाएं उस टेडी और बकरी को छोड़ के। और अभी जो है ना हमने ये बकरे खुर बनाने वाला भी पीछे बैठा हुआ, इसको बुलवाया। अभी डॉक्टर साहब आ रहे तो ये बड़े वाले बकरे को और ये इसको गज्जगू को उसको खस्सी करेंगे। और अभी ये देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी और जो भी काम होगा वो तो डॉक्टर मैंने बुला लिया, तो वो बता देंगे कि जो भी कमी होगी वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि कल मैंने लगाया था एक सेल आउट के लिए बकरा कम्युनिटी पोस्ट पे। ये जो बकरा खड़ा हुआ है ये सेल आउट के लिए है। ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ कमांडो जिसे कहते हैं, हमने कमांडो नाम रखा है इसका, ये सेल आउट के लिए है। दो दाद ये पक्का। बाकी अभी खोर वगैरह इसके बनवा दिए, सिंगे बनवा दिए। बाकी हमारे पास भाई आए हैं खोर और सिंगे बनवाने वाले, अभी आपको उनको भी दिखाते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ले भाई, आज इनके खोर बन रहे हैं। वो बादशाह ले कर रहे हैं, वो बादशाह मोबाइल चार्ज है आपका आज? खस्सी भी आप ही करोगे? डॉक्टर आ रहा है, उसको लेकर आएंगे। अच्छा, आ रहा है, बता दिया एड्रेस? अरे भाई थोड़ी थोड़ी डाल दो, दुपट्टा तो निकाल दो। हाँ आओ बेटा, इधर आओ, जरा ऊपर। वो खाते ना, खिलाओगे तो इतना बनेगा। खराब हो गया यार। सही है, थोड़ी जान मरेगी तो सेट होगा। करके रखा है इसने। है दूध है, देखा कीस है, दूध है थोड़ी, खेस है ये। ये कीस है, कीस देखो ना, पीला पीला वाइट वाइट। तो ये तैयारी पे बस, महीना डेढ़ महीना थोड़ी है इसमें। फिर कितने इसमें तो होगा? ये 10 से 7 से 6 दिन है। अच्छा, तैयारी पर है बस। फिर आज ये जगह इंशाल्लाह हम साफ करवा देते हैं अंदर वाली। देखो ना इधर भी कटा बना रही है। हाँ, जोड़ तो पूरे पूरे तोड़ दिए। महीना डेढ़ महीना पहले जोड़ में एक देती बच्चा, वो तो एक भी देते हैं, तीन भी देते हैं, दो भी देते हैं। गुलाबी में, ये तो गुलाबी है ना, जोन सा भी है बकरी, वो तो अभी अल्लाह का हाथ पर है। एक देवे चाहे तीन देवे। अच्छा, हमारे पास एक अभी छोटा बच्चा खड़ा हुआ था ना गुलाबी, अभी पहले जोड़े में इसने 3 बच्चे दिए थे, अभी एक दिए। वो तो है, लेकिन अभी पेमेंट कहाँ पड़ी हुई है मेरे पास, सारे तो खर्चा हो गया, अभी दिए ही नहीं उसने। हाँ चलो, मैं करता हूँ। हाँ चलो, सही है सही है, ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके ओके। आमिर भाई वालों के पास नहीं गया? घर पे था, बस मैं ऑटो डाल रहा हूँ, इसके पास गया हूँ। एक तो सही हो गया।
ये कितने महीने में करवाना चाहिए खोर वोर का? ये दो महीने में, हर दो महीने में बनती है ये। फिर भी परश में होता है ना, स्टेम स्टेम में घुटनों में चलता। अच्छा, खुरखोरी में आता है ना बकरी, चाहे बकरी जब भी। तो हमने मट्टी रखी हुई है, एक एक बकरी गंद भी रखती है। गंद भी रखती है? हाँ। कौन सी? जोन सा भी है बकरी। क्या मतलब गंद? क्या मतलब? वाइट वाइट गंद फेंकती है। हाँ, वो तो फेंक रही है अभी। फेंक अभी तो बच्चा साफ करने के लिए फेंक रही। वो देखना अल्ट्रासाउंड करवा तो इसका। अल्ट्रासाउंड करवाए? हाँ, पता लग जाएगा उसमें। पता चल जाएगा ना इससे। बच्चे अब ऐसे तो तैयार ही पर है। ऐसा बकरी का पेट इधर होना चाहिए, है तो उसके तनों में कीस तो पेट नहीं बता रही है। यही तो, जब ही तो उसने वही देख के बोला होगा, एक से डेढ़ महीने। फिर बकरी ने दूध क्यों छोड़ा इतना जल्दी? ये भी तो तुम सोचो ना यार, ये भी तो तुम दिमाग लगाओ। या तो फिर मुझे लग रहा है बच्चा कमजोर है थोड़ा सा इसका, इस वजह से है ना। हाँ ना, क्या कर बनाते खतरनाक सींगे कट रही है। मर रहा है? अबे नहीं, ये नोक है ना इसकी सींग में। ये बना रहे हो या काट रहे हो? बना रहा हूँ। नहीं, काटनी है। कहाँ तक? ये इसको यहाँ तक उड़ाओ। खून रोक दोगे आप पूरी? यहाँ तक खून थोड़ी आएगा, जड़ से आएगा खून। तो ये यहाँ से भी काटूँ खून इसका आएगा? तुम बोलो अभी। तो खून कैसे कैसे रुकेगा तुम बताओ फिर? खून इसका फिर तो वहाँ को पायोडीन माउडीन लगाना पड़ेगा, रुक जाएगा। पायोडीन लगाना पड़ेगा, और क्या लगाना पड़ेगा? और उसको पट्टी और कपड़ा वपड़ा बांध के फिर उसको। पट्टी तो रखी हुई है, पायोडीन मंगवा लेते हैं। हाँ, और बस बस पायोडीन से रुक जाएगा। इसके अलावा और कुछ मंगाने तो बता दें। तीन चार दिन के बाद थोड़ा उसका जख्म सही होएगा ना। हाँ, फिर तो ये बुलाना, मैं उसको गोल कर दूंगा। ऐसा तुम्हारा बकरा टूट जाएगा ना, तुम्हारा खस्सी है, तुम क्यों उसको ऐसा कटवा रहे? यार इसकी जो है ना सींगे है खतरनाक। किसी और के पास जाते ना उसके ये रिंग में ना फंसा देता है, फिर उसको ऊपर उछालता है, वो मर जाएगा दूसरा वाला। अब इसकी नोकें ख़त्म हो जाएंगी? इसके तो ये नोक में ख़त्म करके इसे गोल कर दूंगा ना। बस सही करो, सुई का तरह नहीं बना ऐसा कि उसको मैं काटूंगा, इसका जख्म बनेगा, सुस्त बनेगा, सुस्त में उसको बुखार चढ़ जाएगा। बस सही है, तो उसकी मैंने दो तीन बकरों के काटा है ना। चलो फिर नोके ख़त्म करो इसकी। मैं इसको पूरा बनाऊंगा, इसको पॉलिश करके VIP कर दूंगा मैं इसको। इसका नोक मोक यहाँ तक खत्म हो जाएगा। सही है, सही है, सही है ना। गोल कर दूंगा और आपको खुद ही अच्छा लगेगा। ठीक हो गया, ठीक कर दो। काटने में थोड़ी देर, दो मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि ये जो मेरे टाके लगे ना, ये सिंगों की वजह से ही लगे। सर इसके हाथ में घुस गई। अबे तुम माला मेरे बकरे के खून आए, देख रहे हैं सिंगो के? इतने बड़े सिंग है उसके तो। अच्छा, हाँ, उसको मैंने गोल करके हमारा तो इतना सा जगह है, ये लंबा इसका इतना, वही गली में बांधते हैं हम लोग। कितने बकरे रखे हैं उसमें? उसमें मेरे ख्याल 12 दाने सारे खुले रहते हैं। इतने इतने करता हूँ, रात को बांधता हूँ। अच्छा, खुले कर दूंगा फिर सुबह चूरी मेरे हाथ में आएगा। क्या हो गया, लड़ पड़ेंगे। यार ये खाली बकरी बेचेंगे तो कितने की बिकेगी, कुछ आइडिया है? कौन सा बकरी? वो जो छोटा वाला, टेडी वाला, वो टेडी वाली, वो वाली, वो टेडी तुम्हारा ऐसा बिकेगा 15-14-18। अच्छा, वो क्यों तो नहीं है ना, प्रिंट में नहीं है ना। अच्छा, एक अलग कलर में होता फिर भी सही था, रख लूँ ज़्यादा बेहतर है। इस
इसको निकाल के सही वाला बकरी डालो। याकत भाई, और अभी हमने इनसे खोर वगैरह बनवाए, सिंगे वगैरह बनवाए, इनका भी अपना काम है, लियाकत भाई का बकरों का। हाँ लियाकत भाई, ये सेल आउट की बकरी है ये। जी माशाल्लाह, गुलाबी बकरी है माशाल्लाह, चार दांतों में, ये देख सकते हैं, ये दो है, दो चौथा अभी तीसरा अभी निकाला है माशाल्लाह, इधर देखिए माशाल्लाह, ये माशाल्लाह चार महीने का गबन है। लियाकत भाई, ये सेल आउट की बकरी है, और आप बताएं इसके 90,000 रुपये मांग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा भाई लोगों के लिए आए, गुंजाइश हो जाएगा 80,000 रुपये बिल्कुल फाइनल। ये देख लिया माशाल्लाह जाला, एक नंबर बकरे से लगा हुआ है माशाल्लाह, 22 इंच कानों में। अच्छा लियाकत भाई, एक और ये बकरा हमारे पास, ये सामने वाला जो खड़ा हुआ है, ये काम हो रहा है माशाल्लाह, ये भी सेल आउट के लिए। ये हमारा माशाल्लाह बनेगा इधर तक माशाल्लाह, अभी तक खीरा है, ये देखिए माशाल्लाह, ये काम हो रहा है माशाल्लाह, पूरा लाल में। सीना वीना भरपूर आया हुआ, अभी थोड़ी सी और मेहनत होगी, जगह भी है इसमें भी। देख माशाल्लाह माशाल्लाह बकरे के अंदर। तो इसके रेट लियाकत भाई आपको बताए थे मैंने, इसके मांग रहे हम 85 मांग रहे हैं, भाइयों के लिए 80,000। एक और है हमारे पास ये सेल आउट के लिए, इसको हम बाहर ला के आपको तरीके से दिखाते हैं इसको, ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, इसके माशाल्लाह 22 इंच कान है, ये देखिए। माशाल्लाह बकरा माशाल्लाह, ये माशाल्लाह दो दांत का बकरा है हमारा माशाल्लाह, ये देखिए इसके गुलाबी है पूरा माशाल्लाह, पूरा नुकरा है माशाल्लाह, इसके हम 180 मांग रहे हैं, 1,80,000। ये देखिए माशाल्लाह जालर बचेगा, इसको दूध मूध डलेगा फिर इसका माशाल्लाह, जो बन देखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये फाइनल होगा भाइयों के लिए 170। ठीक है लियाकत भाई, ये देखिए माशाल्लाह, ये देख सीने तक माशाल्लाह इसका जालर, ये देख सकते हैं, मुर्गा है? नहीं नहीं वो है बंगाली है, ये हमारा खस्सी हो रहा है भाई, एक बकरा। इंजेक्शन लगा दिए सुन का? लगा दिया भाई, पकड़ो पकड़ो जरा, या अल्लाह अल्लाह अकबर, इसको देख अगर भाई कपड़े दो कर दो। हाँ ना वो यही बोल रहे हैं यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, घर वाले बोल रहे क्या कर रहे हो वैशी दरिंदो अल्लाह लियाकत भाई है, हमें किसी चीज का गम नहीं है, दो कर ले यार इसको, दूसरा भी है टुकड़ा चाहिए होता भाई, उसमें 10 हो जाएंगे। आप तो आपको यार तंग मत करना इसको यार, इसको अलग ही बांध देना बाहर का। बैंडेज बस यही वाली बनी रहेगी, कल खोल देना भाई, कल खोल के क्या करना है फिर, स्प्रे लेकर देता हूं, स्प्रे मारते हैं। देखो छलांग वाला ना मारो,
यार लगा दूसरा लेकर दूसरा लिया लेकर भाई दूसरा। अब दूसरे की बारी है। एक बात है ना आपको दे दे बांधे यार बांधो खुला रखो हमारे ऊपर कुछ भी नहीं करेगा अभी सब बंद करा है बाहर ही बांधे मुल्ला यार सुन सारे को भी जरा सुन खड़ा रहेगा एकदम बस राजा यार गर्दन पे इसकी गर्दन बहुत टाइट है खून तो नहीं खून नहीं आया वही टेस्टिकल्स बाहर आ गया बस सारे अच्छा खून आ गया फिर बकरे का काम था कितना भी कोशिश कर लो 10 दिन कोशिश करो 15 दिन कोशिश करो बकरा खड़ा रहेगा लेकिन सूखता जाएगा आखिर भी काट नहीं पड़ता असल कारीगरी ये कल पट्टी खोल ले पट्टी खोल के खाल सीधी कर दो स्प्रे लगाते रहो अच्छा इस पे क्या पॉलीफेक्स वगैरह लगाना नहीं इस पे ले ब्लू स्प्रे है ना ब्लू स्प्रे हां वो ठीक है लगा लेते हो वैसे जख्म वगैरह तो जी ये था आज का हमारा व्लॉग और इस व्लॉग को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे व्लॉग आपको मिलते रहें इसी तरीके से और इस ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो इसका पार्ट टू हम जो है ना नेक्स्ट डे में डालेंगे व्लॉग क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था इनको खस्सी वगैरह करवाना था फिर खस्सी वगैरह करवाया सबके खोर बनवाए और अपना अल्लाह का भला करे सींगे वगैरह बनवाई बकरी को चेक करवाया तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था तो इस वजह से इसका पार्ट टू जो है ना ये क्या नेक्स्ट डे में हम डालेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी आप देखें माशाल्लाह ये हमारा जग्गू खड़ा हुआ है ये खस्सी हो गया और वो वहाँ पे शेरा खड़ा हुआ है ये देखें ये माशाल्लाह भी खस्सी हो गया थोड़ा सा तो दर्द रहेगा इनके अंदर ये है कि थोड़ा थोड़ा अभी बेचारों को दर्द रहेगा इनको सारी चीज़ें हमने इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें दर्द के सूजन के एंटीबायोटिक सारी चीज़ें लगवाई हैं और इसके भी साथ यही हुआ है एंटीबायोटिक वगैरह सूजन के लिए सारी चीज़ों के लिए इसको सारी चीज़ें लगवाई हैं क्योंकि अभी अभी हुए हैं ये खस्सी तो फिर ये है कि थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए सेट होने के लिए वो तो बेचारे जो है ना बड़ी शिद्दत दर्द में बेचारा तो बस ये है कि अल्लाह पाक इसे आसानी करे उनका दर्द दर्द ख़त्म करे जल्दी से ठीक है ठीक है जी तो इस व्लॉग को यहीं हम एंड करते हैं व्लॉग को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें ओके जी अल्लाह हाफिज़।